हेलो फ्रेंड्स, हमने इसके प्रीवियस वीडियो में लोक पुरुष साम्य सिद्धांत पर डिस्कशन किया था। लोक का मतलब है नेचर, पुरुष का मतलब है ह्यूमन बॉडी और साम्य का मतलब है सिमिलैरिटीज़। तो नेचर और हमारी बॉडी में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं उस पर हमने डिस्कशन किया था कि यूनिवर्स में कोई चीज़ है तो उसके कंपेरेटिवली हमारी बॉडी में कौन सी चीज़ है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है पंचीकरण, या तो उसे भूतानुप्रवेश कहते हैं। पंचीकरण का मतलब है कि पांच महाभूतों का एकत्रित होना। ठीक है, इस भूतानुप्रवेश में आपको नीचे समझाती हूँ। तो हम जानते हैं, ये हम डेफिनेशन पहले देख चुके हैं, सर्वम द्रव्यम पांच भौतिकम अस्मिनर्थे। इसका जो रेफरेंस है वो चरक के सूत्रस्थान में मिलता है कि सभी द्रव्य जो हैं वो पांच महाभूतों से बने हुए हैं। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑन दिस अर्थ इज बेसिकली मेड अप ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट्स। ये हम डिस्कशन कर चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि आपको किस सीक्वेंस में उसे याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले आता है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये सीक्वेंस हर जगह काम आता है, तो आप इसे पहले से ही याद रख लीजिए। ये श्लोक है जिससे हमें उन महाभूतों के विशिष्ट गुण पता चलते हैं। महाभूतानि खम वायु अग्नि आपः क्षितिस्तथा शब्दः स्पर्शस्य रूपं च रसो गंधस्य तद्गुणाः। महाभूतों की बात चल रही है। खम का मतलब है आकाश, वायु तो हम जानते हैं, ठीक है, अग्नि, आप मतलब जल, और क्षिति का मतलब है पृथ्वी। तो ये पांचों महाभूत ऐसे सीक्वेंस में आपको याद रखने हैं। कई जगह पे ये ख वर्ड यूज़ होता है आकाश के लिए, तो आपको ये याद रखना है कि ख किसके लिए यूज़ होता है, आकाश के लिए। फिर उनके सीक्वेंस में उनके गुण बता दिए हैं कि शब्द, शब्द किसका गुण है, आकाश का। स्पर्श किसका गुण है, वायु का। रूप किसका गुण है, अग्नि का। रस किसका गुण है, जल का। और गंध किसका गुण है, पृथ्वी का। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, महाभूत और उनके गुण। आकाश का गुण है शब्द, वायु का गुण है शब्द। शब्द तो उसमें जो उसके आगे वाला जो महाभूत होता है उसका गुण तो आता ही है, साथ में उसका खुद का गुण क्या है, स्पर्श। अग्नि मतलब तेज, उसका खुद का गुण क्या है, रूप। और आगे के जो दो महाभूत हैं आकाश और वायु, उनके गुण भी आते हैं, क्योंकि हमारा सिद्धांत क्या कहता है, सर्व द्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन अर्थे। जल है तो उसमें उसका जो मेन गुण है, डोमिनेंट क्या है, रस। लेकिन उसमें शब्द भी पाया जाता है, स्पर्श भी पाया जाता है और रूप भी पाया जाता है। पृथ्वी की बात करें तो उसका जो गुण है वो है गंध, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ गंध है, तो उसमें सारे हैं, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। लेकिन डोमिनेंस क्या है, उसका मेन गुण पूछे तो गंध है। अब आप जैसे कि ये हमारा सिद्धांत है कि सर्व द्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन अर्थे, तो कोई भी द्रव्य है वो पांच महाभूतों से बना है। जैसे अब अपने आजू बाजू जो भी देखने को मिलता है, जैसे कि डेस्क है, पेंसिल है, पेन है, सब पंच भौतिक है। हमें देखने से लगता है कि उसमें पृथ्वी का गुण ज़्यादा है, वो पार्थिव द्रव्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें आकाश भी पाया जाता है, वायु भी है, तेज भी है और जल भी है। लेकिन जो पृथ्वी का गुण है वो वन हाफ है। कितना हाफ, तो उसमें उसका जो मेन होता है, डोमिनेंट होता है, उसकी क्वांटिटी होती है। और बाकी जो चार महाभूत रहते हैं वो 1:8:1:8 के प्रोपोर्शन में होते हैं। आपको ये याद रखना है, ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, वायवा में भी पूछ लेते हैं कि चलो कोई पार्थिव द्रव्य है तो उसमें आकाश का कितना रोल है, आकाश कितने प्रोपोर्शन में है। तो आपको याद रखना है कि 1:8। अगर वो पार्थिव है तो मतलब उसमें क्या है, पृथ्वी का महाभूत डोमिनेंट है, मतलब पृथ्वी गुण कितना हुआ, 1/2। और बाकी चारों गुण, आकाश गुण पूछ ले, वायु पूछ ले, तेज पूछ ले, जल पूछ ले, तो वो कितने होंगे, 1/8 होंगे। ठीक है, ऐसे अगर कोई वायवीय पदार्थ पूछ लिया आपको, उसमें आकाश का पूछ ले तो कितना बोलोगे, 1/8। वायवीय में वायु का पूछ ले तो कितना बोलोगे, 1/2। जो द्रव्य है उसमें सारे महाभूत है, लेकिन मेन एक डोमिनेंट होगा जो कितना होगा, 1/2। और बाकी सब कितने होंगे, 1/8। बाकी के चार कैसे होंगे, 1/8 होंगे। अब इसे भूतानुप्रवेश क्यों कहते हैं, तो जैसे कि हम बात कर ले वायु महाभूत की। ठीक है, तो द महाभूतास डिराइव्ड फ्रॉम आकाश। सबसे पहला क्या है, आकाश। वाई द डेरिवेशन द
डेरिवेशन द प्रीवियस भूत गुण्स ऑल्सो कैरिड एंड एसोसिएटेड इन द उत्तर भूत। मतलब कि जो ये है समझो, इसको बोलते हैं पूर्वभूत, जो आगे है उसे बोलते हैं पूर्वभूत और जो उसके बाद में आता है उसे बोलते हैं उत्तरभूत। तो जो उत्तरभूत होता है उसमें जो पूर्वभूत के भी जो गुण होते हैं पूर्वभूत को भी कंसिडर किया जाता है। जैसे कि वायवीय पदार्थ है तो उसमें सिर्फ वायु नहीं है, उसमें आकाश भी है, उसके गुण भी हैं, ठीक है। तो उसमें शब्द आकाश का गुण भी है, मतलब शब्द को भी कंसीडर किया, इसीलिए इसे बोलते हैं कि भूतानुप्रवेश। आपको ये याद रखना है, ठीक है। और इन दोनों की कंपैरिजन करूँ, इसकी और इसकी कंपैरिजन करूँ, तो तेज है, ठीक है, तो ये उत्तर भूत है और ये दोनों उसके क्या हुए, उसके पहले आते हैं पूर्वभूत। तो इसका गुण तो क्या है, रूप। शब्द किसका है, आकाश का। स्पर्श किसका है, वायु का। तो ये गुण भी कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे भूतानुप्रवेश कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पंचीकरण और भूतानुप्रवेश। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। पंचीकरण, तो सर्व द्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन अर्थे, जो सारे द्रव्य हैं वो पांच महाभूतों से बने हुए हैं। ये चरक के सूत्र स्थान में इसका रेफरेंस मिलता है। महाभूतानि खम वायुर अग्नि आपह क्षितिस्तथा शब्दः स्पर्शश्च रूपम च रसो गंधश्च तद्गुणाः। उनके गुण बताए हैं सीक्वेंस में, मैंने ये सीक्वेंस आपको बताया है, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। उनके गुण क्या हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये उनके मेन गुण है। याद रखना, भूतानुप्रवेश के हिसाब से इनमें इनके आगे वाले गुण भी पाए जाते हैं, आगे वाले भूत के गुण भी पाए जाते हैं। जैसे कि वायु है तो उसमें स्पर्श तो पाया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या पाया जाएगा, शब्द। ये याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन आता है। अब महाभूता की क्वांटिटी बताएं हम, वायवीय पदार्थ है कोई, वायु की अधिकता, वायु की डोमिनेंस है, तो उसमें वायु महाभूत 1/2 होगा और बाकी के चारों महाभूत कैसे होंगे, 1/8 के प्रोपोर्शन में होंगे। कोई पार्थिव द्रव्य है तो उसमें पृथ्वी 1/2 होगा और बाकी के चारों महाभूत 1/8 के प्रोपोर्शन में होंगे। सर्व द्रव्यम पंच भौतिकत्वम, ठीक है, ये हमारा सिद्धांत है। इसीलिए अगर जो प्रधान गुण होगा, जो डोमिनेंट होगा, वो 1/2 होगा और बाकी के जो चार महाभूत होंगे वो 1/8 के प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे। भूतानुप्रवेश वही कहता है, गुण की बात करता है, ठीक है, भूतानुप्रवेश कि जो उत्तर भूत होता है ना उसमें जो आगे के भूत हैं उनके गुण भी आ जाते हैं, ठीक है, उनको भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक यहाँ ही ख़त्म होता है, आप इसे ध्यान से पढ़िए। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं।